कटिहार जिले के ग्राम पंचायत राज कदमगाछी प्राथमिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से मुखिया उम्मीदवार रुमा खातून के पति मोहम्मद शाजा आलम एवं समर्थकों ने क्षेत्र की जनता से विकास के नाम पर एक मौका देने की अपील। मुखिया उम्मीदवार के पति मोहम्मद शाजा आलम ने कदमगाछी पंचायत की जनता से अपील करते हुए क्षेत्र के लोगों से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व में मेरी माँ ने पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है और कार्यकाल को बताते हुए क्षेत्र की जनता से कहा कि मेरी पत्नी मुखिया बनने के बाद पंचायत का चौमुखी विकास करवाऊंगा। जिस भी टोले मोहल्ले में जाने के लिए रास्ते घरों तक बिजली नहीं पहुंची है वो भी पहुंचाई जाएगी। पक्की सड़क इन सरकारी योजनाओं से वंचित गरीब परिवारों को इंदिरा आवास पेंशन राशन कार्ड देने का कार्य किया जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ और सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं सुचारू रूप से बीते 20 सालों में नहीं दी गई है। साथ ही बाढ़ जैसी आपदा की घड़ी में हर बाढ़ पीड़ितों को निजी एवं सरकारी स्तर पर लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में 100% विकास कार्य के पैसे धरातल पर उतारे जाएंगे और जो भी काम अधूरे रह गए हैं उन्हें भी जनता की दुआ और आशीर्वाद से अगर मेरी पत्नी मुखिया बनती है तो बनने के बाद पूरा किया जाएगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी साथ में थे। सर्टिफिकेट बनाने के लिए और एक विधवा पेंशन के लिए बेचारे दो दो तीन तीन साल रगड़ती हैं, चलती हैं, धक्का खाती हैं, ब्लॉक से लेकर पंचायत के हमारे जो भी कैंडिडेट हो जितने भी होते हैं लेकिन नहीं बन पाता है। ये बहुत अफसोस की बात है। रुमा खातून काम करेगी? देखिए, हर इंसान उम्मीद के साथ है, गरीब लोग हैं ये लोग और हमारे पंचायत के लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारे गांव ने इनको खड़ा किया है क्योंकि गरीब लोग हैं। तो कहते हैं ना, गरीब का मददगार कहीं ना कहीं गरीब ही होता है। तो उस नियत से हम लोग नेक नियति के साथ, अच्छे सोच के साथ कि हाँ, हमारे गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनके जो भी फंड आते हैं, APL है, BPL है, विधवा पेंशन है, शिक्षा एजुकेशन है, जानवरों का पशुपालन है, नल जल योजना है और बहुत सारे सिंचाई के हैं, सड़क है, नालियों का है। कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है वो सब आप सब जो है कि जनता के बीच में रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उनका हक है उनका हक से उनको हम छीनेंगे नहीं। उनका हक उनके घर, उनके दर, उनके दरवाजे तक हम खुद चलकर पहुंचाएंगे और उनके जो हमारे जो मतलब वो हैं वोटर उनको इंशाल्लाह ताला हम मायूस नहीं करेंगे। उनको मायूसी नहीं मिलेगी कि नहीं आप हमारे दरवाजे पर आए तो ये काम नहीं हुआ कि नहीं हो पाएगा। ये हमारी बेरुखी जो हम लोगों ने 15-20 साल बेरुखी झेली है कि ये वादे वो वादे और कैंडिडेट जब जीत गया तो उसका उल्टा परिणाम हमको उल्टा मिला कि सीधे मुँह बात तक नहीं करना, दरवाजे बंद कर देना। तो वो बेरुखी इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसलिए कैंडिडेट को भी आप खड़ा कर रहे हैं या जो भी आपके इलाके से हैं, पंचायत से हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जिसको भी वोट दें ये चीज़ सोच कर ना दें कि वो सही ही है। हकीकत में जो सही है आप उसको वोट दें ताकि वो 5 साल हमारे सिर का दर्द ना बने कि भाई अब तो वो जीत गया है, उसको झेलना है, उसको लेके चलना या नहीं। जो हमारे हक के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे सच्चाई के लिए, हमारे समाज के लिए काम करे और जो सही है उसको आप दें, क्योंकि आपका ये बहुत कीमती वोट है, आपका एक वोट बहुत कीमती है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करूँगा कि आपने सबको देखा अब तक 15-20 सालों में कौन कैसे खड़े हुए, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब लोगों ने देखा है, रुमा खातून ब्लैक बोर्ड छाप क्रम संख्या 12, उनके पति मोहम्मद शाहजान आलम और इनकी माँ आरा वाली मरहूमा रही हैं। आप लोग जानते हैं उनके काम और ईमानदारी, उन्होंने कितने मदद काम किया है, वो चीज़ गवाह है। तो इसके लिए कहूँगा रुमा खातून मुखिया पद में है, मैं उसका पति हूँ मोहम्मद शाहजहाँ। पूर्व मेरी माँ समेती थी, मैं बहुत कुछ कार्यकर्ता के तहत काम किया हूँ, रोड का चाहे रोड हो या हरिजन कोटा में गाय दिलवाया था और हरिजनों को ठेला भी दिलवाया था और भवन भी बनवाया हूँ जिसको आश्रम कहा जाता है। और मैं इस बार जनता से अपील करता हूँ कि मुझे अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनावे और मुझे सेवा करने का मौका दे। मैं हर योजनाओं का लाभ जनताओं को घर घर पहुँचाऊँगा और मैं पहले भी बगैर पैसे का काम, एक रोड में जो भी कमीशन मिला मैं पंचायत के और रोडों में मिट्टी भरवा दिया, मैं कमीशन का पैसा नहीं खाया और आज भी वो सच्चाई है।
मेरी माँ भी सच्चाई में काम की है और मैं चाहता हूँ कि अपना नाम ऊंचा करूँ, ये न कि पैसा कमा के अपना महत्व। ब्यूरो रिपोर्ट कटिहार, R9 भारत। जन अधिकार पार्टी संरक्षक पप्पू यादव व्यवहार न्यायालय की तारीख पर पहुंचे। सुपाल कोर्ट हाजिर होने से पहले जाप कार्यकर्ता दिलखुश ठाकुर के आवास पर किया प्रेस को संबोधित। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर सरकार की विधि व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिहार में खाद बीज की किल्लत चल रही है, जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, किंतु पुलिस समाधान के बजाय लाठी बरसाती है। आए दिन हत्या हो रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। शराब पीने वालों को पुलिस पकड़ लेती है परंतु माफियाओं को नहीं पकड़ पाती। आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस को पीने वालों की खबर हो जाती किंतु बेचने वालों की खबर नहीं हो पाती। डेढ़ मिनट में जो भी फॉल कंप्लीट स्मगलिंग का, अपराध का, माफियाओं का केंद्र बिंदु क्यों बनता जा रहा है? क्या कारण है कि सिमराही, राघोपुर, करजैन, प्रतापगंज, वीरपुर, निर्मली, ये जो इलाका है सुपौल का, तीन हिस्सा, वो कंप्लीट अपराध और माफियाओं के चंगुल में क्यों? सवाल, यहाँ दो दो मंत्री हैं, गृह मंत्री यहीं से हैं जो जवाब देते हैं। भूपेंद्र जी की हत्या, भाई की हुई, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुआ, चौकीदार को मार दिया गया, पता नहीं चला, दवाई व्यवसायी को मार दिया गया बिना किसी कारण के, आखिर अपराधियों को समाज शेल्टर क्यों देती? अपराधी ही के बदौलत नेताओं को वोट क्यों मिलता है? नेताओं के गाड़ी में शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, टेंडर घोटाला माफिया ही क्यों बैठे रहते? क्या हम MLA, MP, जनप्रतिनिधि माफियाओं के बगैर ही और अपराधियों के कारण ही बनते हैं? क्या कारण है कि बिहार आज कंप्लीट अपराध और माफियाओं के चंगुल में जा चुका है? सुपौल में इस 2 से 3 महीने के अंदर 100 से ऊपर हत्या है, 3-3 लाश तो सड़कों पर फेंक दिए गए। उसको कह दिया जाता है कि स्मगलिंग के कारण या किसी मूर्ति के कारण, किसी पत्थर के कारण। आज भी 1 लाश मिली है। लगातार ये घटना, शराब की स्मगलिंग अलग, पूरा व्याप्त है, मुजफ्फरपुर से लेकर के अररिया, फारबिसगंज, सुपौल का ये बॉर्डर नेपाल के द्वारा पूरा का पूरा स्मगलिंग, स्मैक ड्रग्स, मानव तस्करी, पूरा। ये छोटी घटना नहीं है, इस पर हम अंकुश नहीं लगाते, क्योंकि पूरा थानेदार, पूरी प्रशासन, जो काम MBI का, जो काम DTO का, जो काम ट्रैफिक इंचार्ज का, जो काम COBDO का, जो काम खनन विभाग का, जो काम एक्साइज का, वो सब काम पुलिस करती। जिला ब्यूरो चीफ शहबाज खान,